नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है सोनाली फोगाट केस को लेकर। बताते चले कि सीबीआई गोवा पहुंची है। 10 घंटे की छानबीन के बाद काफी बड़े बड़े सबूत लेकर वो गोवा से निकलती हुई नजर आई है। 10 घंटे की यहाँ पर छानबीन चली, लेकिन अगर वही दूसरी साइड में गोवा पुलिस की बात की जाए तो गोवा पुलिस ने इतने घंटों तक कोई भी छानबीन नहीं की थी, जबकि उनके पास तो सारे सबूत थे, सब कुछ उन्हें मालूम था कि किस तरीके से सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म किया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो सुखविंदर और सुधीर है वो उन्हें कहाँ कहाँ लेकर गए थे, सारी बातें मालूम थी। लेकिन उसके बावजूद भी गोवा पुलिस ने इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं की कि वो सबूत इकट्ठा करे, क्योंकि आपको बता दें कि 23 तारीख को सोनाली फोगाट का निधन हुआ था और उस निधन के बाद यहाँ पर हार्ट अटैक वजह बताई गई थी, लेकिन परिवार के प्रेशर डालने की वजह से पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें खुलकर सामने आया कि उनके साथ गलत हुआ है और साथ ही साथ शरीर पर काफी चोट के निशान है। पुलिस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाई, जिसमें साफ पता चल रहा था कि उन्हें यानी कि सोनाली फोगाट को कोई ना कोई यहाँ पर ड्रग्स दे रहे हैं, यहाँ पर नशीला पदार्थ दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने घंटों तक छानबीन गोवा पुलिस नहीं कर पाई, जिसके बाद परिवार का शक लगातार गोवा पुलिस पे था कि वो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करे। लेकिन अब आपको बता दें कि सीबीआई ने पूरे 9 से 10 घंटे यहाँ पर छानबीन की है और काफी बड़े बड़े सबूत लेकर अब वो वापस आती नजर आ रही है। और रही बात यहाँ पर दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम यहाँ पर गोवा, यहाँ पर उनके गांव में है, यानी कि सोनाली फोगाट का, वहां से जो सबूत मिलते हैं वहां से वो सबूत लेकर दिल्ली आएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन से सबूत यहाँ पर गोवा पुलिस ने छुपाए थे। अब आपकी क्या राय है, क्या लगता है कि जल्द ही यहाँ पर सोनाली फोगाट केस का असली मुखबिल सामने आता नजर आएगा? अपनी राय जरूर दे और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।